हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसा व्हाट्सअप का स्टेटस अगर आप बनाना चाहते हैं अपना फोटो का, तो दोस्तों वो कैसे बनाएंगे वही चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको अब भी अगर ऐसा स्टेटस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है MV मास्टर। दोस्तों उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके, या तो फिर दोस्तों उसी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद तो सिंपली से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसकी कई सारी जो थीम है, सारी थीम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप अलग अलग तरह के कई तरह के स्टेटस यहाँ से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप पजल वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट मेकिंग पर क्लिक कर देना है, और स्टार्ट मेकिंग पर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी फोटो का पजल वाला स्टेटस बनाना चाहते हैं उस फोटो को आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे श्योर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप श्योर पर क्लिक करोगे आपको फोटो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आपको कितनी साइज़ का फोटो रखना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पे राइट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। राइट वाले आइकन पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू दिखाई देने के बाद दोस्तों आप इसका म्यूजिक चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज म्यूजिक पर आ जाइए, और यहाँ पे दोस्तों जो भी पॉपुलर म्यूजिक होंगे वो सारे पहले आपको शो करेंगे। और दोस्तों उसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल में से कोई अगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लोकल पर क्लिक कर देना है, और जैसे लोकल पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन में जितने भी होंगे म्यूजिक वो सारे यहाँ पे दिखाई देगा। उसमें जो भी आपको यूज़ करना है उस पर क्लिक करके आप यूज़ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सा कर देना है इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी क्वालिटी आप सेव करना चाहते हैं वो क्वालिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद दोस्तों ये कुछ लोडिंग लेगा यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों लोडिंग खत्म हो जाए आपको इसको सेव टू एल्बम में क्लिक कर देना है, और दोस्तों जैसे आप सेव टू एल्बम में क्लिक कर दोगे ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।